दिल झूम झूम दिल झूम। जय जय श्री राम सारे अनु भाई, जय श्री राम प्रणय। पीछे देखो हम भिवंडी स्टेशन पे है, भिवंडी रोड से यहाँ से हम निकल रहे हैं, आज जा रहे हैं परेल में, क्योंकि आज 3 सितंबर है तो बड़ी बड़ी गणपति का आगमन भी है। और मैं आपको वर्कशॉप भी दिखा दूंगा कि कैसे बड़ी बड़ी गणपतियाँ बनती अगर देखने मिल गया तो। और फिलहाल भाई ट्रेन ने एकदम आ ही चुकी है, वो देखो ट्रेन देखो आ ही चुकी है एकदम। बस ट्रेन 2 मिनट रुकेगी तो मैं जरा सा लेट हूँ। कितना मिनट लेट होऊंगा? 1-2 मिनट, मतलब ट्रेन छूट जाती नहीं तो फिर हमको फिर वेट करना पड़ता, नहीं तो कल्याण से जाना पड़ता। तो फटाफट ट्रेन पे पहुँचते हैं। और आज आप लोग मतलब, और मेरा लास्ट ब्लॉग छोटी गणपतियाँ कैसी बनती है उस पर है पूरा, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, जाओ देखो। बहुत ही प्यारी तरीके से सब कुछ इसमें समझाया है कि कैसे गणपति पूरा बनता है। और आज बड़ी गणपति देखेंगे, तो मेरे ख्याल से ना आज बड़ी गणपति देखने कम चांस है, क्योंकि ना भाई अब आगमन है, सैटरडे संडे गवर्नमेंट परमिशन देती है मुंबई में, तो आगमन है तो आगमन ही देखेंगे। तो फिर फटाफट पहुँचते हैं हम लोग परेल। तो हे गाइस, हम पहुँच चुके हैं परेल। यार आज ये देखो, यहाँ पे पहले शेर देख लो भाई, वाह कितना मस्त रॉकेट बना हुआ है। परेल स्टेशन से बस सीधा सीधा आप बाहर आएंगे वहाँ पर ही है। तो ना हम ना यार बहुत ज़्यादा लेट हो गए, क्योंकि रास्ते में ना मिले थे ना मंडली वाले, तो उन्होंने बताया बहुत सारे गणपति का आगमन हो चुका है और कुछ कुछ गणपति के आगमन हो रहे हैं। आज संडे है, इस वजह से मेगा ब्लॉक लगा रहा। मुंबईकर्स होंगे तो आपको पता होगा कि संडे को मेगा ब्लॉक रहता है लोकल ट्रेन का, तो इस वजह से आज ट्रेन कम चल रही है। तो अभी मैं चल रहा हूँ भाई जहाँ पे जो भी आगमन दिख जाएगा, वर्कशॉप जो भी दिखेगा मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। मे भी आगमन में मेरी आवाज़ ना आए, क्योंकि आप जानते हो इतना मस्त धूमधाम ढोल ताशा सब भाई मज़े मस्ती करेंगे। तो फिर अभी चलते हैं, फिलहाल पहुँच चुके हैं। तो गाइस हमारी सबसे पहली गणपति है 25 फुट की धारावी की अर्ध विनायक। देखो 25 फीट की है, इसका आगमन अभी जस्ट जस्ट हुआ है। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितना ज़्यादा क्रेज है। सुख करता दुख हरता बढ़ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर सिंदूराची, कंठी सलके बाल मुक्ता फणाची। तो वहाँ देखो दूसरी गणपति का आगमन हुआ है। जय देव जय देव, का नाम है बैल बाजारा से राजा सम्राट। इनको लगभग 70 साल हो गया, लगभग क्या इनका 70वां वर्ष है। देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव, देवा हो देवा गणेशा लंबो दर गणेशा, ओम नम गणपते नमः। तो गाइस अभी फिलहाल हम परेल वर्कशॉप के बाहर पहुंच चुके हैं, और भाई अंदर जाके वीडियो बनाना तो भूल ही जाओ, वो शायद से भाई करीबन महीने भर पहले ही जो बना लिया, वरना फिर ऐसे बनाने नहीं मिलता। क्योंकि ना सिर्फ आगमन है भाई, सिर्फ आगमन है, सुबह से सिर्फ मूर्तियाँ निकल रही है। मैं बाहर आपको दिखाता हूँ क्राउड कितना ज़्यादा है वर्कशॉप के। पूरा रोड खच्चा खच भरा हुआ है, और अंदर से ना अंदर देख लो, आपको दिख रही होंगी शायद मूर्तियाँ छोटी छोटी, देखो दिख रही है शायद ये मूर्ति छोटी मोटी, छोटी मोटी मतलब बड़ी मूर्तियाँ छोटी छोटी दिख रही है। तो फिलहाल यही हाल है भाई, अब अंदर जाने अलाव नहीं है बिल्कुल भी। जो जिनकी मंडली के वो आ रहे अपनी मूर्तियाँ लेके जा रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर रह के जितना हो सके उतना ज़्यादा कैप्चर करेंगे। तो गाइस देखो यहाँ पे एक मूर्ति आ रही है फिर से, देख रहे हो आपको छोटा सा मोमेंट दिख रहा होगा अंदर, वो बाहर आने तो बराबर से लेते हैं हम लोग उसको। बाकी भाई क्रेज तो मजबूत है, और मुझे थोड़े से दोस्त भी मिल गए, थोड़े मतलब। तो
भाई हम इनके साथ ही इंजॉय कर रहे हैं। लोगों ने तो बहुत कुछ बताया कि यहाँ से सुबह से लगभग 9 से 10 मूर्तियाँ जा चुकी हैं और ये शायद आज की लास्ट है, ऐसा भी सुनने में है। बट हम इंतज़ार करते देखते हैं। बाकी जो अपनी पुलिस फोर्स है ना भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है पूरे ट्रैफिक क्लियर करने के चक्कर में, यार किसी को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान दे रहे हैं लोग। काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, देखो कितनी बड़ी मूर्ति है, 30 फीट होगी करीबन। देखो खुल रहा है गेट, खुल रहा है, क्राउड देखो, मजबूत भीड़ है भाई, क्या मूर्ति है बाबा, वाह एक नंबर। छत्रपति शिवाजी महाराज भी है, देवी माँ भी है और बप्पा तो है ही है, दोनों शेर के साथ में, एक राइट हैंड बॉडीगार्ड, एक लेफ्ट हैंड बॉडीगार्ड। करता दुख हरता बढ़ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उपशेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळांची, जय देव जय देव। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। और गाइस इसके जस्ट पीछे ना गिरगांव वंशर राजा आ रहे हैं, पीछे इसके जस्ट। तो गाइस अपने गिरगांव वंशर राजा का आगमन हो चुका है, देखो फर्स्ट लुक इनका भाई, वीडियो ही देख लो पूरा लुक। अरे यार ये मिस कर गया, बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना। ओ भाई आ रही है, क्या बड़ी मूर्ति है, कम से कम 25 फीट उससे भी ऊपर, गिर गावन सा राजा। बहुत मेहनत कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे बाबा, बड़े कमाल के भाई, बहुत मेहनत कर रहे, हम लोग तब से देख रहे। आई 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 गाइस चलो अंदर चलते हैं, मौका मिला है अंदर जाने का, अंदर घुस जाते हैं, मौका मिला है, ओपन हुआ है। तो देखो भाई आगमन हुआ है, सुख करता दुख हरता बढ़ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उपशेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळांची, जय देव जय देव। तो भाई हम लोग अंदर तो आ गए, ऐसे वर्कशॉप में एंट्री मिल गई है, तो अब यहाँ से बाहर चल रहे हैं भाई, क्योंकि अब यहाँ से गेट बंद हो चुका है, यहाँ से बाहर चलते हैं। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। तो गाइस फिलहाल हम लोग बाहर आ चुके हैं, यहाँ से अंदर से बाहर आ चुके परेल वर्कशॉप से। तो यहाँ पर हम एक दो जगह और, मतलब सुने कि यहाँ पर और भी वर्कशॉप है, तो वहाँ पर विजिट करते हैं, अगर कर लिए हम तो प्यारी प्यारी आपको गणपति आगमन की वीडियो दिखा देते हैं। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, जानते हो हम लोग यहाँ पे 3 बजे पहुँचे ही, वो देखो पीछे देखो वहाँ पे आगमन हो रहा है, वहाँ का भी कैप्चर करते हैं हम चल के, तो जो भी जितना होगा बोलेंगे कम आज और आपको दिखाएंगे बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं, Thank you.
समता मित्र मंडल सेक्टर 7 का राजा। भाई बहुत मजा आ रहा है सच में, आगमन में भी बहुत मजा आ रहा है। बस दुख एक चीज का रहता है यार, उसका वर्णन ही नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से यार। जो विसर्जन होता है ना वही बस दुख होता है, बाकी बहुत मजा आ रहा है सच में। बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स मिलते, बहुत मजा आता है। देखो गाइस वहाँ पे ऊपर ना थोड़ा सा वायर फंस रहा है, तो देखो उसको भी निकालेंगे। ऊपर देखो चढ़े हुए हैं वहाँ पे। निकल गया। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने देखा ना, 3-4 आगमन ही हम लोग देख पाए, बट बहुत अच्छा लगा हमको वो, और नाचे भी हम लोग। मैं तो कैमरा इसको थमाया था, बाकी नाचा ये भी है, वो कैमरे पर नहीं नाचा है। अगर हम लोग आगे जा रहे, ढोल मिला हमको तो वहाँ पर हम दोनों नाचेंगे ना, तो उसकी भी वीडियो देख लेना आप लोग। तो फिलहाल अभी ना भाई 10 रुपये का मुझे झोल का मिला पप्पा की कृपा से, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत की मैंने निकालने का, तो उसके मैंने ये आम लिया है, कच्ची कैरी खा रहा हूँ, और ये भी कच्ची कैरी खा रहे हैं 10 रुपये खरीद के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, ढोल ताशा जिधर बच रहे हैं ना उधर पे। गाइस फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं भाईखल्ला स्टेशन, और अब हम जा रहे हैं घर पे। भाईखल्ला आके घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ना भाई हमको ना बैठने को जगह मिल जाएगी, तो हम पहले करी रोड गए, करी रोड से चिंचपोकली होकर फिर हम भाईखल्ला आ गए डायरेक्ट। तो यहाँ से अब डायरेक्ट घर जा रहे हैं। बाकी आपने देखा ना आज का ब्लॉग कितना ज़्यादा मज़ेदार था, मेरे लिए पहली बार खुद एक्सपीरियंस मैंने मुंबई गणपति का किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रणय का भी फर्स्ट टाइम ही होगा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया सच में, बहुत अच्छी फील आया, और डांस का फीलिंग तो और ही ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों ने देखा ना मेरा डांस, मेरे साथ और भी 3-4 लोग ज्वाइन हो गए थे, मैं और रुकता और ढोल बजता तो शायद और भी लोग ज्वाइन हो जाते, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अगर गाइस मैं आपको ये भी बता दूँ ना, तो मैं इस बार पूरी गणपति सिर्फ ना मुंबई घूमने वाला हूँ, मुंबई दर्शन करूँगा,
गणपति के आगमन करूंगा। और मैं लास्ट ईयर भी गणपति का जो भी जितना भी गणपति आगमन दर्शन जो भी किया होना पूरा मेरे इंस्टाग्राम हाईलाइट में गणपति 2022 करके है, और आज से मैं गणपति 2023 का सीरीज चालू कर दूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बार घूम के, जिसमें बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रही आज की मेरी भी और प्रणय की भी। तो फिर अभी हम चल रहे हैं घर पे। वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।